तो ये गाइस आई एम वापस आपके चैनल अरबेन किंग गेमर में। तो यार बिना टाइम का वीडियो कर लेते हैं शुरू। और आज के वीडियो में हम जाने वाले जंगल बायो में यार, क्योंकि मतलब घर में जंगल बायो से घूम के आया था, उसके बाद इसके इम्पोर्ट किया था। और यार मतलब जब मैं जंगल बायो में गया तो मुझे पता नहीं था वहाँ पर हमें एक टेम्पलेट मिलने वाला जंगल टेम्पल में, क्यों मैंने देखना ही भूल गया। तो वहाँ से मैं खाली वो सैपलिंग बैम्बू और थोड़ा सामान लेके आ गया, जिससे मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पर हमें टेम्पलेट भी मिलने वाला था। फोन आ गया, हम दुआ चले जाएंगे। तो यार मैंने ऑफलाइन थोड़ा अपने लिए डेकोरेट करके ये घर बना दिया। और ये घर का इंटरव्यू मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में तो हमें थोड़ा लूट मचाना है, थोड़ा मौज काट लेना, थोड़ा मजे लेना। तो यार आप बिना किसी टाइम का वीडियो कर लेते शुरू। इस ऊपर चैनल मिल जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटा बटन दबा दो और जितना ज़्यादा शेयर कर दो। तो गाइस मेरे सोशल मीडिया भी फॉलो कर लेना या फटाफट से, सबकी लिंक नीचे मिल जाएगी। तो यार हमें पहले चिकन मिला था, तो हमने चिकन को सोचेगा एग मिला तो मैंने सोचा एग ही ले लो। और फिर उसके बाद एग को धरा मैंने चेस्ट के अंदर, जो अपना बिल्कुल सक्सेस नहीं था। तो ये मैं टुकड़ टुकड़ दे रहा, मैंने इसको छोड़ा गया भाग गया। तो ये अगर मैंने सीर लिया उसके लिए, मतलब वहाँ पे हमें वो मिलता है ना पैरेट, तो पैरेट के लिए मैंने ये सील ले लिया और मैं निकल पाऊँगी। थोड़ा मैंने टाइम लगता और हम आ चुके थे जंगल टेम्पल। और जंगल टेम्पल तो आप सब जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हो उन सबको पता है जंगल टेम्पल क्या है और यहाँ पे क्या चीज़ मिलता है। तो यार मैं आया सबसे पहले बैम्बू में, वो मिला था मैंने बैम्बू का नया वाला चेस्टिंग खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगा। तो मैंने सोचा जितना बैम्बू मिला हूँ ना धारो अभी और जंगल टेम्पल लूटा जाए। तो यार कोको भी मिला, मैंने कोको भी ले लिया। और फिर असली मज़ा तो गाइस फिर आया ना, कि कोको भी लेने के बाद यार जो मज़ा था वो तो अलग ही था। तो यार मैंने कोको भी ले लिया और जितना हो सका मैंने सैपलिंग भी ढूंढने की कोशिश की और आखिर में मुझे मिल भी गया था। और पैरेट भी मिला, तो मैंने पैरेट को ट्रेन करने की सोचा और ये उड़ा नहीं। और ये मेरे से कितना दो सीट खाया गया, दो या तीन सीट में ट्रेंड हो गया था। और जो मैं कंधे में भी आकर बैठ गया था, जो आप सोच नहीं सकते देखने में कितना अच्छा लगा था। और मैं जहाँ जहाँ बैम्बू मिला मैंने सब जगह एकदम कलेक्ट करता गया। और भाई मतलब अगले वीडियो में हम थोड़ा यूनिक काम करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी उसमें हम वो प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो यार मैं सैपलिंग पर मिला नहीं था, तो मैं सैपलिंग लेने के चक्कर में गया था। आखिर में याद है हमें मिल भी गया था। तो सैपलिंग यार मतलब मैं बहुत मेहनत करने के बाद आखिर में जाकर सैपलिंग मिला, जो अब मेरे इनफ था, क्योंकि हमारे पास सबसे काफ़ी हम कर ही लेते वहाँ पर ट्री का। लेकिन मैं वो चार सैपलिंग जीता गया, चार सैपलिंग से मैं ऑटोमेटिक मिल जाएगा बाकी। तो यार क्या थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, बाकी सब पेड़ को चौपड़ने लग गया मतलब सैपलिंग के लिए। और ऐसा हुआ हमें मिल भी गया सैपलिंग। तो यार गए क्या बताऊँगा, वो तुम लेट आ रही हो, थोड़ा लेट आ रही है उसको प्रोसेस करना। और मुझे पता है यार थोड़ी मेरे वीडियो में उतना इंटरेस्ट नहीं है आप लोग को लगता है, थोड़ा यार बंद क्या करवा दो ताकि आप लोग को और अच्छी वीडियो देखने मिलेगी बहुत जल्दी। तो फिर क्या था यार अपने वो सैपलिंग मिले गए थे, दो सैपलिंग तीन हो गए थे यार, दो से तीन हो गए थे। तो मैंने सोचा था ये चार हो जाए तो मैंने बहुत ही लव होगा, जो
बहुत जल्दी हो भी गया था तो, या फिर क्या था यार, सैपलिंग अपने पास इनफ हो गया तो मेरे सोचा यहाँ से निकलने का सोचा, लेकिन नहीं गाइस अभी नहीं निकला मैं, क्योंकि मैं सोचा जंगल टेंपल आए तो जंगल में थोड़ा मौज काटे गए, लेकिन गाइस जब मैं आया उस समय मैं पता नहीं था जंगल टेंपल में भी जंगल टेंपल मिलेगा, तो ये जंगल टेंपल तो गाइस मैं ऑफलाइन जा कर ले आऊँगा, उसका कोई टेंशन नहीं। और हमें 5 सैपलिंग का मिल चुके गाइस, बहुत है इतना। और यहाँ से मैं चाह के देखा भी था यार गाइस ऊंचाई पे जाके, जो यहाँ आस पास में जंगल टेम्पल हो तो मुझे दिख गया, लेकिन दिखा ही नहीं गाइस। जो क्या बताऊँ, हाँ एक पैरेट और मिल गया था मुझे, फिर क्या था यार, मैं इससे भी टेम कर लिया था। ओ भाई रुक जा इधर बैठ जा तू, ये सिट डाउन हो गया, अब देखो गाइस मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना यूनिक लगा, एक मिनट ये देखो पैरेट मेरे कंधे में बैठे हो कितने अच्छे लग रहे, एक दो एक ग्रीन तो एक का तो गाइस मतलब। लेकिन जाते जाते ये मेरे रास्ते में खो गई यार गाइस पैरेट, जो मेरे बहुत ज़्यादा दुख की बात थी। और हाँ यार मैं मेलन भी मिल गया था, वाटरमेलन, तो मैंने वाटरमेलन भी ले लिया यहाँ से, क्योंकि वाटरमेलन मेरे लिए बहुत काम की चीज़ थी। तो मैंने वाटरमेलन लेने के बाद नॉइस उससे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आपको पता ना फैमिली मेम्बर में तो ऐसा ही होता है। तो वाटरमेलन का मैंने ले लिया और फिर मैं सबसे ऊपर जाके देख रहा हूँ यहाँ पे आसपास में कहीं पे जंगल टेंपल होता है जो मुझे दिख जाए, जहाँ से मुझे लूट भी मिल जाए, लेकिन नहीं यार गैस नहीं मिला गैस। मैं पूरा ऊपर तक चले गया, एकदम लास्ट फ्लोर पे चले गया ऊपर से, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। जंगल में जो ज़्यादा बड़ा लग नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोचा ऊपर जाके पता लग ही जाएगा कैसे कैसा करके गया मैं ऊपर पहुँचा, तो तब तक कुछ मिला ही नहीं मुझे, इसलिए फिर मैं क्या था मैं वापस मोड़ ले गया नीचे। लेकिन यार हाँ यहाँ का सीन बढ़िया लगा था, एक नंबर का सीन लगा था, इस कटे एरिया पहाड़ी एरिया, तो ये अगर पहाड़ी एरिया को हमने नज़रअंदाज के हम सोचे निकल लेते तो वापस अपने उसी मंजिल पे जहाँ से हम आए, तो मैंने सोचा पहले यहाँ से और सैपलिंग कलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन ये अगर 5 सैपलिंग लेके गया था यहाँ से, 5 से ज़्यादा नहीं, जो इनफ थे मेरे लिए। वो आप लोग को आगे पता लग गया इनफ कैसे थे और कहाँ से मैं फायदेमंद हुआ। तो यार मतलब मैं सोचा जितना ज़्यादा सैपलिंग हो उतना फ़ायदा होगा हमारा, लेकिन नहीं यार हमें उतना सैपलिंग मिला ही नहीं, 5 से ऊपर मिला ही नहीं गाइस सैपलिंग। तो मैंने सोचा 5 सैपलिंग से काम चला लिया जाए, तो फिर क्या था गाइस हम चले गए यार अपने मंजिल की ओर, जो थी वापस घर का रास्ता। लेकिन यार गाइस यहाँ से मुझे सैपलिंग मिला नहीं, तो गाइस तो यार गाइस कूड़ करके आखिरकार मैं अपने घर आ ही गया फिर उधर से कैसे ना कैसे करके। और घर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने उस सैपलिंग बोया यार गाइस, बैम्बू बोया जो हमारे कई ज़्यादा फायदेमंद थे, जो मैं खुद नहीं सोच सकता था, जो अपने आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले थे, कि माइनक्राफ्ट का 1.20 का अपडेट के बाद थोड़ा ज़्यादा ही काम के बन गए थे बैम्बू, क्योंकि इसके भी अपवर्ड बन रहे थे ना, तो मैंने सोचा जितना ज़्यादा उगा सके, क्योंकि अगली बार आगे जाके गए मैं इसका एक बहुत ही उन्हें काम करने वाला हूँ, जो अपन लोग रूट टू रूट बनाएंगे वो आप लोग खुद देख लेना। तो फिर मैंने सैपलिंग में यहीं पे बो दिया गया, सैपलिंग यहाँ पे बोने के बाद मैंने सोचा
एक सैपलिंग बच गया था तो मैंने उसे वहाँ पे लगा दिया। और फिर ये अपने चेरी बायोम का तो आपने पिछली वीडियो में ही देख चुके होंगे, वो थोड़ा लेट हो गया जो मैंने ऑफलाइन वो कलेक्ट किया होगा। ये कलेक्शन है देख सकते हैं आप लोग, जो मैं खुद के सोच के भी बाहर है। तो मैंने लूट लिया जितना लूट सकता था, जितना ज़्यादा लूटना था मैं वो लूट लिया मैंने। फिर उसके बाद गाइस मैंने अपना बेनिफिट उठाया, जितना ज़्यादा फ़ायदा मेरे को चाहिए था क्योंकि बैम्बू तो अपना हो चुका। तो यार गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना करता हूँ, तो मैंने पूरा सामान को यहीं पे चेस्ट में डाला और आज के लिए हम यहीं पे एंड करेंगे गाइस, क्योंकि लूट हमने बहुत ले लिया यार। और बस दिन में वीडियो हुआ कि बहुत से कट कर रहा, तो माफ़ी चाहता अगर फोन सारा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में सब ठीक नहीं होगा वैसे आप लोग को। तो यहाँ मतलब मैं सब ब्लॉक ब्लॉक के सब चीज़ को समझा रहा अपने चेस्ट के अंदर। तो क्या रहेगा खैर गाइस, हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो। आई होप करता वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक हर जगह फॉलो करने के लिए लिंक नीचे मिल जाएगा।